हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। संडे है, सुबह सुबह बस थोड़ी सी योगा कराई और अब मेरी चीनी को पूरी, मतलब यहाँ पे तुम्हें पता है ना, भेड़ में पूरी और आलू की सब्जी बहुत फेमस है, लोग सब खाते हैं। तो भाई मम्मी ने पूरी मंगाई, सिर्फ घी लाया खाना, मम्मी घी मक्खन नमक लगा खानी है, इसलिए उन्होंने पूरी सब्जी आलू मंगाई। और मम्मी कह रही है कैमरे में अपने दिए खाते व्यूअर्स को की पूरी, और एक गुड्डू जो डाइट बैठे है उसने भी लाया की पूरी, एक लाया, एक तो की भी है, नहीं इनकी नहीं, वो दो ही लाया, घी भी भाई पूरी। हेलो दोस्तों, कबूतर जैसी शक्ल हो रही है मेरी, अभी उठ के तो बहुत टाइम हो गया, संडे ही आज, तो दीदी को, मम्मी को दीदी के कुछ पैसे देने हैं, 6,000 रुपये कुछ देने हैं, तो अभी मम्मी 3 देगी, 3 मेरे पास है, तो देखना दीदी के ले जाएगी। बाबू हमने तेरे 6,000 रुपये वापिस कर दिए। गिन तो ले, अरे गिन ले तो, 4,000 रुपये आपने तो 6 कहते मुझे। 3,000 रुपये फंस क्यों रही हो? फिलहाल मम्मी के पास यार, घर का खर्चा भी, घर का खर्चा भी निकालना है यार। हंस क्यों रही हो? अरे यही के कल इन्होंने वो कर दिया था आपको कि 6 दे दूंगी, 3 ही है इनके पास, घर का खर्चा निकालना है ना। मुझे भी सीन बन रही है। लाओ ये दे दो, ये भी घर का खर्चे में दे दोगे ना 3 और? यार दीदी अब इतना, अरे क्या पागल है क्या, मैं तुम्हारे पास है 3 और पैसे नहीं दे सकती क्या? तुम्हारे पास है 3 और आप हर बार कहते हो ना गुड्डू तो मुझे रक्षाबंधन के पैसे नहीं देता, इस बार मैं आपको रक्षाबंधन के एडवांस में दे रहा हूँ बहुत सारे। तो अब तेरा मेरा करोगे आप? देख लो क्या दिन आ गए, बच्चे अपनी मम्मी से पैसे ले रहे हैं। 6,000 मेरा कर दो, तो दे दो बचपन के वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपए मेरे बर्थडे के। तू तो बुड्ढा हो जाएगा, सब भी तेरे वैसे मेरे होंगे। क्यों? हाँ ऐसे ही होता है, माँ के बेटे पे ज्यादा बता, ध्यान रखियो। बोलते हैं कि पॉकेट मनी छोड़, जब पैसे मांगेगा तो, जब मैं पैसे मांगता हूँ तो ये खड़ी हो जाती है बैरिकेड की तरह, क्यों चाहिए पैसे, क्या चल रहे हैं, क्यों करना है इसको। मेरे घर वालों ने मेरे को 10-20 रुपए के लिए कभी मना नहीं किया, बिल्कुल भी मना नहीं किया। कल हम लाए हैं ये चप्पल मेट्रो के साइड से, सुंदर सस्ती टिकाऊ एबिबास की चप्पलें, लिखा तो एडिडास ही है, बढ़िया हल्की चप्पली है ये, दिस इज नाइस। हम देख रहे हैं व्लॉग अपना, कल वाला परसों वाला पता नहीं, और ये गंदी शक्ल है। तू मुझे अच्छे शूट नहीं करता। आज सुबह भी, कल रात को हमारी लड़ाई हो गई, आज सुबह हमारी लड़ाई हो गई, हमारी लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता। अभी बज रहे हैं शाम के 6, मतलब 1 बज रहा है अभी, और आज हम जाएंगे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पर, और अभी देखो क्या हो रहा है जाने से पहले। आदि मानव सी शक्ल की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने, तुम 2-3 लोगों के कमेंट पढ़े थे, तुमने बोलता मैं छोटे छोटे बालों में अच्छा लगता हूँ, आज मैंने सोचा है मैं इनका आत्म संस्कार कर देता हूँ, ऐसा हूँ मैं छोटे छोटे बालों के साथ। तो ये उसका पीनट बटर का शूट कर रही है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, इन शक्ल देखो इनकी। दादी का ना स्वागत है बिहार में। छोटे छोटे बाल भी कह सकते हैं, ये देखिए मैंने ये नहीं काटी है, क्या कहते हैं, मूछ पूछ नहीं काटी है, ये रो मेरे घर वाले कहते हैं मैं अच्छा लगता हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ऐसे रख लूँ उसके जैसी तारक मेहता की उल्टी चश्मे वाली जैसी, मैं ऐसे ऐसे रड़ास कर। अब मिलते हैं 3 मिनट के बाद, सी यू सर, नमस्ते गाइस, वी आर गोइंग, सब तैयार हैं, मैंने इतना बोल लिया कि वहाँ जाकर मुझे जरूरत पड़ जाए पानी की, पत्ती लेट्स गो।
खान मार्केट। आज हम कभी आज तक स्टारबक्स भी नहीं आए, तो आज हम स्टारबक्स आए हैं पहली बार। तो ये फर्स्ट टाइम है, सौरभ यहाँ काम करता है तो अपन उसके लिए आया है। मेरा लिख देना गुड्डू भैया, काट कर लिख दे ढंग में गुड्डू भैया। इट्स फर्स्ट टाइम, जो भी है तो मजा आ रहा है। आई सी यू। यस गुड्डू भैया दिस साइड। हाँ सर, ये गुड्डू भैया। यस ओके। और ये चुन्नू भैया। यस ओके। यस एंड ये है यूवी टॉमस। हेलो फिर नाइस गुड्डू भैया। गुड्डू भैया का नाम लेके बुलाया, गुड्डू भैया हिंदी में लिखा है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो मुन्ना भैया भी है। सबसे सुंदर होना चाहिए खाने में, टेस्ट में। चिली सॉस ले लो, दो लोग वो भी लाना, वेज बेसन। हाँ वो बोलेंगे टाइम में मिलते हैं हमारे पास। हमारे सैंडविच भी आ चुके, जिसमें से एक सैंडविच को हमने होल्ड पे रखवाया कि अभी रुक जाओ 5 मिनट बाद लेंगे। ये इन्होंने फोकर वो ला रखी है, इन्हें क्या पता हम पोहा भी आज से खाते हैं। गाइज अभी स्टारबक्स के जो मैनेजर है वो हमारे पास, उन्होंने पूछा वो कुछ चाहिए तो नहीं, आपको सब अच्छा लगा? जो सौरभ है वो मतलब सही में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके मतलब वो मैनेजर खुद आके पूछ रहा है आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आपको कुछ चाहिए तो बताओ और कुछ खाओ, हमारा पेट फुला है, फिर भी अभी हम एक केक खा रहे हैं। और अलग ही फीलिंग है सब कुछ, मतलब इस लड़के को इतना गर्व हो रहा है। यहाँ पे इसका चैनल तो बड़ा नहीं है, लेकिन स्टारबक्स में सब जानते हैं कि लड़का ब्लॉग्स बनाता है, पूरी टीम जानती है स्टारबक्स को, तो कितने गर्व की बात है इसके लिए। Thank you, भैया। सर कैसा लगा? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Stop. New vlogger in the town. कैमरे में देख के हाय कर दे, कौन सा बढ़िया लग रहा है तुझे बता। ये वाला ले लो, कैमरा रहेगा हाय कर दिए। हाय मेरे वाले में भी उठा, तो आज ये था ब्यूटीफुल होगा, दो सुंदर प्रकृति। भाइयों यहाँ पे मेरे को दिखी ऑडी R8, लेकिन सब छोड़ो, अगर मेरे को बग्गा की गाड़ी दी जाती तो मजे ही आ जाता। बढ़िया है, क्या है
बढ़िया है। वो ले लूँ एक सूट पीस, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ छोड़ो, यहाँ से क्या ही लूँगा, राजू मोची से ले लूँगा, वो बढ़िया बनाता है। रितु कुमार, मैं भी गर्व गुप्ता के नाम से वो खोलूँगा, नहीं गुड्डू भैया चड्डी वाले के नाम से। मुड्डा ये मेरा पहला कस्टमर होगा। जरा वरा मुड्डा क्या बोल के मांगा गुड्डू तूने? ठंडे से एक पॉइंट ऊपर, नहीं ठंडे से एक पॉइंट नीचे और मीडियम से एक पॉइंट ऊपर। कितना ठंडा और कितना गर्म? नहीं ये पूरा ठंडा गुड्डू, बाहर से गर्म और बाहर से भी ठंडा लगता है। थैंक यू भैया। यहाँ लिखा देखो न्यू दिल्ली, काश में उस जमाने का होता जब यहाँ पे इंद्रप्रस्थ लिखा होता, अलग ही मजा आता। मतलब वाले गाने अच्छे लोग इनकी वजह से आज हमने स्टारबक्स में खाया पहली बार। हम लोग आप तो क्या है, तो बहुत मजा आया। हाँ मतलब बड़ा मजा आया इनकी वजह से। बोलो बोलो तुम बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, हमारा भाई काम करता है तो मैं डिस्काउंट मिलेगा, तो जरूर आना यार बाहर मार्केट में अपना स्टारबक्स। अच्छा। यही है। और हम आपके साथ ऊपर ही सेल्फी लेने जाते हैं, सब लोगों के सामने लेकिन अब भीड़ है ना, मैं इसको बोला संडे को बोल देता, जैसे सैटरडे संडे को नॉर्मल डेज में हो तो खाली रहता है। अच्छा चलो, खाली सबके सब बनी हुई है, लाइन बनी रेल बनी है सबकी, नीचे कटे वाला मोड़ लेता है लड़कियाँ दिखता। चलो अब अपन एक सेल्फी खींच लेते हैं आपके साथ, जिसके लिए हमने जाल करा है। किस तरह से देख रहे हैं। ओके बाय बाय बाय। गाइज आज अपन बस में ट्रैवल करेंगे शादरा, सिर्फ 10 रुपए की टिकट लेगी, जहाँ मेट्रो में हमें 40 रुपए एक बंदे के देने पड़ेंगे, आज हम 10 रुपए में बस में ट्रैवल करेंगे। लेट्स सी, आज बस में भी जाके देख लेते हैं। मैं एक बार आई थी स्कूल से बस में, बस आज बस में चलता है, हमें यहीं से लेनी है बस। आ गई बस। हमारी बस खुलती है, चला गया। बस में जाऊंगे आज, बस में जाऊंगे आज, कुछ जो चाहिए दो का कुट मार के नीचे उतारना हुआ। फाइनली बस रुक गई है, फाइनली मुझे चीज बची थी तीन ही, और अपनी तीनों की सीटें थी बस 10 रुपए में शादरा, मतलब 30 रुपए में अपन शादरा हमारी, क्योंकि जो बस भर रही है ना एक सीट पे एक ही बिठा रहे हैं, लास्ट में भी एक एक छोड़ रहे, जो भर रही है उस पर लोग बिठाई नहीं रहे, एक बस वाला मैं छोड़ के चला गया, फाइनली हमें लास्ट की सीट बैठी। देखो मैं दिखाऊँ एक एक सीट जैसे इस पर क्रॉस लगा रखा है, ऐसे सब किया, एक एक सीट छोड़ के बैठाओ, सब मास्क लगाओ, सैनिटाइजर रखो, सेफ हो तुम, हर बस में एक पुलिस वाला बिठा रखा है। गाइज अभी हम आपको पता हम आ गए थे, आज हमारे साथ बैटरी रिक्शा वाले ने इतना वो करा, 30 रुपए में आए थे, उसने कहा 10 रुपए और दोगे तो मैं अंदर छोड़ दूंगा, हमने कहा ठीक है 10 रुपए और ले लेते, हमने उसे 50 रुपए का नोट दिया, तो हमने कहा भैया 10 रुपए और दो रहे हो ना, तो कह रहे कि टॉफी खाओगे, ऐसे कही उसने और वो मोड़ने लग गया, तो उसने कहा कि 10 रुपए का नोट दे रहे, हमने कहा तो कह रहे हाँ टॉफी खाओगे ना, तो हमने कहा नहीं, हम हंसने लग गए उसकी बात पे, इतने में वो चला गया, गया 10 रुपए कोई है ही नहीं, चला गया, इतना पागल आज तक किसी ने नहीं बनाया हमारा। तो आज हमारी वैसे छोटी सी पार्टी हो रही है, संडे है तो मेरा चाप खाने का मन था। मैं पहले सब बता दूं, दो लच्छे मेरे, एक लच्छा आपका, एक इनकी रोटी, दो मेरी रुमाल रोटी, दो इनकी रुमाल रोटी। सुन लिया ना तुमने क्या कहा है, अब हम बस वही खाएंगे, आज संडे की पार्टी है, पता नहीं कब से आपने बात। I caught feelings, how could these feelings, I caught feelings.